नमस्कार जीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। अब आप अमित सर को अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं। इस लिंक पर क्लिक करके आप उन्हें अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर फॉलो करना ना भूलें। आपको बता दें कि सर अभी सीडीएस सीएपीएफ एफकेट की क्लास ले चुके हैं। अगर आप इन क्लास को देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अनअकैडमी प्लस पर डिफेंस सर्विस का प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना होगा। इसके बाद ही आप सर की क्लास को देख सकते हैं। लेकिन अगर आप सर की कुछ क्लास को फ्री में देखना चाहते हैं तो फ्री के लिए स्पेशल क्लास दिए गए हैं, जिसकी लिंक आपको हमारे कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो उस लिंक पर क्लिक करें और उनके जो क्लास है उन्हें देखें। आपको बता दें कि यह जो क्लास है वो आपके सभी एग्जाम में काम आएंगी, जिसमें भी जीएस का पेपर शामिल हो। और इन स्पेशल क्लास को अगर आप देखते हैं तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन लेने के बाद जो क्लासेस ली जाती हैं वह किस तरह से वर्क करती हैं। और अगर आप अनअकैडमी पर किसी भी कोर्स का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो अमित फॉर जीएसपी कोड का इस्तेमाल करें, जिससे कि आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अब आइए आगे देखते हैं, आइए आज के करंट अफेयर्स देखते हैं। इससे पहले आपको बता दें कि अगर आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप अभी तक ज्वाइन नहीं किया हो तो उसे जल्द से जल्द ज्वाइन कर ले, जहां पर डेली हम अपने करंट अफेयर्स की पीडीएफ्स को अवेलेबल करवाते हैं। जीएस पाठशाला के डेली करंट अफेयर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इस सीरीज में हम प्रत्येक दिन के समाचारों में से उन घटनाओं को डिस्कस करेंगे जो कई कम्पिटिटिव एग्जाम जैसे यूपीएससी, अदर सिविल सर्विस एग्जाम्स, SSC, रेलवे, बैंक, NDAC, DSC, APF आदि परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। वीडियो के नीचे जब बेल आइकन बना हुआ है उसे प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको सारी जितनी भी वीडियोज हम डालें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आइए शुरुआत करते हैं आज की राष्ट्रीय खबर से। राष्ट्रीय खबर में हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि चित्र भारती फिल्म महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया जाए, यह हमारे ऑप्शंस हैं। तो इस बार चित्र भारती फिल्म महोत्सव जो है वह अहमदाबाद यानी गुजरात में आयोजित किया गया है, यह फिल्म महोत्सव है जिसका आयोजन किया गया है। इसके बाद आइए हम आगे देखते हैं, आगे जो हमारा प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस हम किस दिन मनाते हैं। तो हमारे ऑप्शंस इस प्रकार से हैं, यह चार ऑप्शंस आपके सामने हैं। यह जो दिवस है वह हम 21 फरवरी को मनाते हैं विश्व स्तर पर। इसे यूनेस्को के द्वारा मनाया जाता है। इस बार यूनेस्को का जो विषय रहा इस अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के लिए वह कुछ इस प्रकार से है, लैंग्वेज विदाउट बॉर्डर्स के विषय पर इस बार यह जो दिवस है वह मनाया गया। इसमें इतना ही, आइए हम आगे के प्रश्न को देखते हैं। आगे हम प्रश्न देखेंगे कि श्याम प्रसाद मुखर्जी रूबन मिशन के शुरू होने की चौथी वर्षगांठ किस दिन मनाई गई, यह हमारे ऑप्शंस हैं। यह जो दिवस है वह हम 21 फरवरी को मनाते हैं। यह जो दिवस या जो दिन है वह 2016 से हम हर साल 21 फरवरी को मनाते हैं। यह मिशन यानी श्याम प्रसाद मुखर्जी रूबन मिशन जो है यह बेसिकली ग्रामीण क्षेत्रों पर आधारित है। वहाँ की जो आधारभूत विकास को मजबूत करने के लिए इस मिशन की शुरुआत की गई थी 2016 में, जिसकी चौथी वर्षगांठ हम इस साल मना रहे हैं। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री वर्तमान में नरेंद्र सिंह तोमर है। इसमें इतना ही, आइए हम आगे देखते हैं। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। हाल ही में मजदूरों के लिए अटल कैंटीन खोलने की घोषणा किस राज्य सरकार के द्वारा की गई है, यह हमारे चार राज्य सरकार है। इसमें से जो यह स्कीम है या जो योजना है वह हरियाणा में की गई है, वहां की मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा। ये पूरे राज्य में लागू होगी अटल किसान मजदूर कैंटीन योजना, यह मजदूरों और किसान दोनों के लिए ही आयोजित किया गया है। इसकी जो कीमत होगी वह 10 रुपये में सस्ता और अच्छा भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। ऐसे 25 कैंटीन खोलने की बात की गई है पूरे जिला में। हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य हैं और यहाँ के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी हैं। इसमें इतना ही, आइए हम आगे देखते हैं। आइए बात करेंगे हम अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा है कि पहला भारत बांग्ला पर्यटन उत्सव का आयोजन कहाँ पर हुआ, यह हमारे सारे ऑप्शन हैं।
यह जो आयोजन है वह त्रिपुरा के अगरतला में हुआ। यह पहला ऐसा आयोजन है जो कि भारत बांग्ला पर्यटन के बीच आयोजित किया गया। यह एक प्रकार का टूरिज्म फेस्टिवल है। इस उत्सव को त्रिपुरा में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मनाया जा रहा है। खासकर इस उत्सव में देखने की बात है कि पड़ोसी देश बांग्लादेश, जिसकी प्रधानमंत्री शेख हसीना है, उन्हें वहाँ की जो बांग्लादेश है वहाँ के नागरिकों को राज्य के पर्यटन स्थलों से अवगत कराने के लिए यह जो भारत बांग्ला पर्यटन उत्सव है उसका आयोजन किया गया। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव हैं और यहाँ के राज्यपाल रमेश बैस हैं। इसमें इतना ही, आइए अब हम आगे चलते हैं। आइए अब बात करेंगे हम अगले प्रश्न की। भारत में 33 मंजिला इमारत के बराबर 100 मीटर लंबा भारत के सबसे ऊंचे रेलवे पुल का निर्माण कहाँ पर किया गया? यह हमारे ऑप्शंस हैं। यह जो पुल है वह पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे की निर्माण इकाई के द्वारा किया गया है। मणिपुर के तोमोंग लोंग जिले में मकरू नदी पर इसका निर्माण किया गया है। इसकी ऊंचाई का आप अंदाजा इस तरह से लगा सकते हैं कि यह 33 मंजिला इमारत के बराबर है, जो कि 100 मीटर लंबी होगी। इसकी लागत जो है 238.5 करोड़ रुपए आई है। इस मार्ग में टोटल 47 सुरंगें होंगी। या इसकी सबसे लंबी जो सुरंग होगी उसकी लंबाई 10.8 किलोमीटर होगी। मणिपुर के राज्यपाल इम्फाल, मणिपुर की राजधानी इम्फाल है और मणिपुर के राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला है। यहाँ के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह है। इसमें इतना ही, चलिए अब हम आगे देखते हैं। आइए अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न की कि किस राज्य में भारत सरकार के द्वारा ट्रंप के स्वागत में नमस्ते ट्रंप नाम के कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। आपको बता दें कि यह जो 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 डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति है वह हमारे भारत के 2 दिवसीय दौरे पर आने वाले हैं, जिससे संबंधित ही मोटेरा स्टेडियम में नमस्ते ट्रंप प्लान किया जाएगा। यह जो है गुजरात के अहमदाबाद में स्थित स्टेडियम या कुछ इस प्रकार से ही देखने को मिलेगा, जो कि हमने पिछले वर्ष देखा हाउडी मोदी कार्यक्रम, जो कि जो कि अमेरिका में आयोजित किया गया था, इसी प्रकार के तर्ज पर यह जो प्रोग्राम है कुछ देखने को मिलेगा। डोनाल्ड ट्रंप जी जो है वो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। ये 24 फरवरी 2020 को भारत की 2 दिवसीय यात्रा पर आने वाले हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी हैं, यहाँ के राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं और यहाँ की जो राजधानी है वह गांधी नगर है। इसमें इतना ही, आइए हम अब आगे देखते हैं। आगे हमारा जो टॉपिक है वह आर्थिक खबरों से है। आर्थिक खबरों में हमारा प्रश्न है कि हाल ही में किस बैंक के द्वारा बिजनेस यात्रियों के लिए एक कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने की बात की गई है। यह हमारा ऑप्शन है। यह जो सुविधा है वह HDFC बैंक के द्वारा दी जाएगी। इसमें मास्टर कार्ड, ASP ने यानी तीनों ने संयुक्त रहकर कॉर्पोरेट क्षेत्र को खर्चा प्रबंधन सेवा देने के लिए समझौता किया है। इसके तहत अगर बिजनेस यात्री बिजनेस ट्रिप के दौरान जाते हैं, उन्हें किसी भी चीज़ का भुगतान पर प्रबंधन के लिए एक वन स्टॉप समाधान प्रदान करेगी। अर्थात सरल भाषा में कहें तो यह एक ऐसी क्रेडिट कार्ड होगी जो भी बिजनेस यात्री जो बिजनेस ट्रिप पे जाते, अगर उन्हें पैसों की जरूरत पड़े अचानक से, तो वह अपने इस क्रेडिट कार्ड से कटवा सकते। इस तरीके का एक वन स्टॉप समाधान देने की बात की गई है HDFC बैंक के द्वारा। HDFC का मुख्यालय मुंबई में है। इसके प्रबंध निदेशक आदित्य पुरी जी हैं। अब आइए हम बात करेंगे आज की जुड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरों से। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट अनुसार भारत को सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? यह हमारे ऑप्शन है। भारत को जो स्थान प्राप्त हुआ है इस लिस्ट में वह 77 थे। आपको बता दें कि इस सूची में टोटल 131
देश को शामिल किया गया है, यानी सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स में शामिल किया गया, यानी सतत बोल सकते प्रोग्रेस, यानी लगातार प्रोग्रेस डेवलपिंग जो कंट्री है उसका एक इंडेक्स निकाला गया है, जिसमें भारत 77 नंबर पर रहा। आइए अब हम देखते हैं कि पहले दूसरे और तीसरे नंबर पे कौन रहा। नॉर्वे स्वास्थ्य और शिक्षा पोषण के मामले में इंडेक्स में प्रथम स्थान पे रहा, दूसरे स्थान पर दक्षिण कोरिया और नीदरलैंड रहा, तीसरा और इस सूची में जो है वह मध्य अफ्रीका गणराज, चाड और सोमालिया जो है सबसे नीचे स्थान पे रहा, और भारत जो हमारा है 77 नंबर पे रहा। यह रिपोर्ट जो है वह तीन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा निकाली जाती है, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO, उसके बाद संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी यूनिसेफ जो बच्चों के लिए काम करती है, उसके बाद द लॉन्सेट मेडिकल जर्नल द्वारा यह रिपोर्ट तैयार की गई, जिसमें टोटल 131 देशों को शामिल किया गया है। इसमें इतना ही, आइए हम आगे देखते हैं। आइए अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। फेटे ने किस देश को जून तक ग्रे लिस्ट में रखने का फैसला किया है? आइए आपको बताते हैं, यह हमारे ऑप्शन है। पाकिस्तान को जून तक 2020 तक फेटे ने ग्रे लिस्ट में रखने की बात की गई है। पेरिस में 16 से 21 फरवरी तक चली मनी लॉन्ड्रिंग पर निगरानी रखने वाली ग्रुप की बैठक के प्लानरी खत्म होने के बाद यह फैसला किया गया है कि पाकिस्तान को 2020 तक ग्रे लिस्ट में डाला जाएगा। ऐसा करने का मेन पर्पस क्या है? क्योंकि पाकिस्तान पर या शिकायत है या बोल सकते हैं एलिगेंस लगाया गया है कि वह आतंकी संगठन लश्करे तायब और जैसे मोहम्मद को फंडिंग करता है, इसलिए इसे ग्रे लिस्ट के तौर पे इसे डाला गया है फेटे के द्वारा। फेटे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स कार्रवाई है या एक सरकारी निकाय है। इसकी स्थापना 1989 को हुई थी। इसका मुख्यालय जो है वह पेरिस में है। आपको बता दें कि एक तरह का ऐसा सरकारी बोल सकते हैं संगठन है, जो कि पूरे देश में जितने भी कंट्रीज है उन पर नजर रखती है कि वह जो पैसा का जो यूज है वह किसी भी गलत चीजों में ना करे, लेकिन पाकिस्तान इसमें सबसे ऊपर रहा है आतंकवादियों को फंडिंग करने के लिए, इसलिए इसे ग्रे लिस्ट में डाला गया है। इसमें इतना ही, चलिए अब हम आगे देखते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वह पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से संबंधित है। सबसे महत्वपूर्ण और सबसे आज की सबसे अच्छी खबर है कि भारत में 1 अप्रैल 2020 से दुनिया का सबसे साफ पेट्रोल डीजल इस्तेमाल शुरू होना हो जाएगा हमारे भारत के द्वारा। यह सबसे पहली बार होगा क्योंकि भारत में अब तक यूरो ग्रेड के 4 जो टाइप है, जो पेट्रोल का एक टाइप है यानी ग्रेड के बेसिस पे बांटा है, उसमें अभी तक 4 ग्रेड का वो पेट्रोल और डीजल यूज करता था, लेकिन अब यूरो 6 पेट्रोल की ग्रेड का वह जो हम भारतवासी हैं इसका इस्तेमाल करेंगे। इसमें ईंधन का इस्तेमाल करते हुए सल्फर की मात्रा प्रति मिलियन केवल 10% है। इसमें वाहनों के उत्सर्जन में कटौती होगी, जो कि शहर में प्रदूषण फैलाने के लिए प्रमुख कारण देखे गए हैं। वर्तमान में भारत की केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री जो है वह धर्मेंद्र प्रधान है। इसमें इतना ही, चलिए अब हम आगे देखते हैं। आइए अब बात करते हैं हाल ही में हुई नियुक्तियों से संबंधित। नियुक्तियों में हमारा प्रश्न है कि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की नहीं चुना गया, यह हमारे ऑप्शन है। आपको बता दें कि यह जो चुने गए हैं वह संजय कोठारी हैं। इस समिति में पूर्व सूचना और प्रसारण सचिव विमल जुल्का को चुना गया है। उसके बाद केंद्रीय सूचना आयोग के नए मुख्य चुनाव आयुक्त को भी चुना गया है, जो वर्तमान में चुनाव आयुक्त के रूप में सेवा दे रहे हैं। इसके बाद समिति में बहुमत से यानी वोटिंग के अनुसार सुरेश पटेल को सतर्कता आयुक्त और अनीता पांडव को सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। बेसिकली जो मेन अपॉइंटमेंट है वह संजय कोठारी है, इसे ही हमें ध्यान रखना है। ये केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के आयुक्त चुने गए हैं। इसका जो इस आयोग का जो गठन है वह 1964 को हुआ था। इसका मुख्यालय जो है वह नई दिल्ली में स्थापित है, और ये रहे संजय कोठारी जी जिन्हें सचिव आयुक्त चुना गया है। आइए अब हम देखेंगे अगले टॉपिक को, यानी खेलकूद संबंधित खबरों को। इसमें 2020 में आयोजित हुए ESPN इंडियन अवार्ड्स के तहत किस महिला को स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर से नवाजा गया है? या हमारे ऑप्शंस हैं,
तो यह जो खिलाड़ी है वह पीवी सिंधु है, जिन्हें स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर महिला की श्रेणी में नवाजा गया है। यह एक बैडमिंटन प्लेयर है। अब इस लिस्ट को और भी आगे बढ़ाते हुए देखते हैं। इस लिस्ट में स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द पुरुष के लिए सौरभ तिवारी, जो कि एक पिस्टल शूटर है। इमर्जिंग स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर दीपक पुनिया, जो कि फ्री स्टाइल रेसलर है। कोच ऑफ द ईयर पुलेला गोपीचंद, जो कि बैडमिंटन के कोच हैं। टीम ऑफ द ईयर मन्नू भास्कर और सौरभ तिवारी, ये भी पिस्टल प्लेयर हैं। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बलवीर सिंह सीनियर हॉकी प्लेयर है। मोमेंटो ऑफ द ईयर पीवी सिंधु की वह जीत, जो कि विश्व चैंपियन के फाइनल में दिखी थी। द करेज अवार्ड, जो कि दूती चंद एथलीट से उन्हें मिली है। उसके बाद द कमबैक ऑफ द ईयर कोनोरू हम्पी शतरंज खिलाड़ी हैं, उन्हें मिली है। इसके बाद आइए हम आगे देखते हैं। आगे हम बात करेंगे आईपीएल की। आईपीएल की शुरुआत होने वाली है। हमें बताना है कि यह किस स्टेडियम में इसका जो फर्स्ट ओपनिंग है वह होगा। तो यह मुंबई स्थित वानखेड़े स्टेडियम में इसकी शुरुआत होगी। 4 बार की डिफेंडिंग चैंपियंस मुंबई और चेन्नई टीम जो है उनके बीच मैच को खेलते हुए यह जो आईपीएल जिसका 13वां संस्करण है उसका आयोजन किया जाएगा। इसका फाइनल मुकाबला 24 मई को होगा, या कुल 57 दिनों तक चलने वाला गेम होगा। इसमें इतना ही। आइए हम अब आगे देखते हैं। आइए अब हम बात करेंगे निधन से संबंधित खबरों पे। हमारा प्रश्न है कि हाल ही में वीएल दत्त का निधन हो गया, वे कौन थे? ये हमारे ऑप्शंस हैं, आपको बताना है कि ये कौन थे। तो या भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ के पूर्व अध्यक्ष थे, यानी फिक्की के ये पूर्व अध्यक्ष थे जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया। वे 91 से 92 तक फिक्की के अध्यक्ष के पद पर रह चुके हैं। ये रहे वीएल दत्त, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया। अब आइए आज की जो सबसे इम्पोर्टेंट खबर है उसे देखते हैं। लैरी टेस्लर का हाल ही में निधन हो गया, वे कौन थे? ये व्यक्ति इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इन्होंने हमें कॉपी कट पेस्ट करना सिखाया। ये एक कंप्यूटर साइंटिस्ट थे। इन्होंने कॉपी कट पेस्ट के अलावा और भी बहुत सारी कंप्यूटर की कई कमांड की खोज की है। उनका जन्म 1945 में हुआ था। इनके द्वारा ही पूरे विश्व को कॉपी कट पेस्ट की सौगात मिली है। और ये रहे कंप्यूटर साइंटिस्ट लैरी टेस्लर, जो कि अब हमारे बीच नहीं रहे। इसमें इतना ही। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप अमित सर को अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर फॉलो करना ना भूलें। आप हमें टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन कर लें, जहां पर हम डेली अपने करंट अफेयर्स की PDF अवेलेबल करते हैं। आप हमें फेसबुक पेज पर फॉलो कर लें, जहाँ पर डेली हम अपने करंट अफेयर्स की वीडियोज़ को पोस्ट करते हैं, और या अदर सोर्सेज जिसके थ्रू भी आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और इस वीडियो के नीचे बेल आइकन है, उसे दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारे जितनी भी वीडियोस आए उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू। लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। सर को आप अनअकैडमी पर फॉलो कर लें, ताकि उनके द्वारा जो भी कोर्स लाया जाए उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर आप कोई भी कोर्स को परचेस करना चाहते हैं तो अमित पर GSP कोड का इस्तेमाल करें, जिससे कि आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाए। धन्यवाद।